हेलो। हाँ गंगाराम जी, हाँ गुरु जी। जी बताइए। हाँ तो जो मैंने जो है 28 मार्च को जो मुकदमा अभी दायर किया है, तो नहीं, ये तो मुकदमा है किसका, ये आपने किया है कि मतलब शुक्ला वाला है? नहीं शुक्ला का नहीं है गुरु जी, शुक्ला अलग हैं, जितेंद्र जी अलग हैं और बस्ती के श्री नारायण दादा जी अलग हैं। ये मतलब ये आपने अपना खुद किया है? मैंने खुद मुकदमा किया है चौकीदार बनाम सरकार, अच्छा, तो कब डाला ये? ये 28 फरवरी को मैंने डाला है सर। इसी इसी साल? तो हाँ ये इसी में इसमें मतलब हो नहीं, अकेले गया। डाला है कि और लोगों ने भी सहयोग करके, कितने लोग क्या है कुछ बताइए जानकारी। हमारे जो सहयोगी हैं वो 231 लोग हैं, तो अच्छा। उसमें जो है जब मैंने वकील से राय लिया तो वकील साहब ने एक ही शब्द कहा कि गंगाराम, वो सोचे कि 150 आदमी हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि गंगाराम एक काम करिए, जो भी होता है 100 200 300 400 जीता है, गरीब आदमी है ले लेना और कोर्ट में जो है लेके आएंगे तो हम सारा मुकदमा कर देंगे। हम कहे ठीक है, मैंने ग्रुप में भी भेजा और वीडियो भी बना के डाला, सारी व्यवस्था किया। इसके बाद जब मैं कोर्ट पहुंचा वहां, तो वहां पे जो है 231 लोगों का जो है स्टाम्प खरीदा गया 26,000 रुपये में, और प्लस जो है उसमें नोटरी हलफनामा लगा और उसमें जो है वकालतनामा लगा। मैं टोटल खर्चा मैंने वकील साहब को 1 लाख रुपए दिया अच्छा, टोटल अभी तक? अभी तक। अच्छा, और नहीं हाँ ये जो चौकीदार अभी चौकीदार थे, इन लोगों ने क्या सहयोग किया है? चौकीदारों ने सहयोग ये किया है, किसी थाने से 100 रुपए के प्रति के हिसाब से आई है, किसी के 200 आई है, और दो थाना हमारा ऐसा है जो कि हमें थाम लिया, नहीं तो सबकी तरह हमको भी भागना पड़ता। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा सहयोग मिलके किया हाँ ना, मतलब वो सब जो है हमारा फुल सहयोग किए हैं। अगर मैं देखूं तो कहा जा रहा है कि मतलब एक तरीके देखा जाए तो मतलब आपने जबरदस्ती किसी से नहीं मांगा कि आप हमको इतना दो? नहीं नहीं हमारे जितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि गंगाराम आप तो फिर एक लाख रुपया जबरदस्ती। 1 लाख रुपया जब आपने लगाया है तो 1 लाख में अभी क्या रिस्पॉन्स आया है? रिस्पांस आ गया है गुरु जी की, 28 तारीख को मैंने जो है मुकदमा कायम किया, 31 तारीख को बहस हुई है मेरे मुकदमे में, और वो जो है जितेंद्र वाले जो 17 से मुकदमा चढ़ा उसमें हमारा जो है जुड़ गया मुकदमा। उसके बाद सरकार को नोटिस किया गया, सरकार का जवाब आया और अभी किसी मुकदमे में आया नहीं लेकिन मेरे में आ गया है। क्या बात है, लिखित तौर पे आया है? लिखित तौर पे आया है देखिए, अब एक मिनट के लिए मैं रोकूंगा, एक मिनट के लिए। जी देखिए, आपको बता दूं, आपके मुकदमे में इसलिए जवाब आया है क्योंकि आपने छल नहीं किया, जी आपने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आपने किया है। इसलिए जी मैं तो आप जैसे लोगों का हमेशा सम्मान करता हूं, और मैं सच बताऊं, ऐसे लोग अगर काम करें तो बड़ा खुशी मिलेगी। लेकिन जी ये जो 50-50 लाख रुपए वसूला गया, ये तो मतलब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है कि बताइए चौकीदार क्यों नहीं समझ रहा है उसको। ये 50 लाख खर्च करने के बाद भी अभी तक जवाब नहीं आया, और मैं जी यही तो सोचने के लिए मजबूर हूँ कि आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया और अब जवाब आ गया, लिखित तौर पे आया ना? जी लिखित तौर पे आया है और मैं पूरा प्रमाण आपके पास भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, जो मेरे पास साक्ष्य आया है, तो सरकार ने क्या उसमें बोला है, अपना बयान दिया? सरकार ने उसमें यही कहा है कि जो है 30 दिन की ड्यूटी आप लोग करते हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ, तो उसमें अब हमको ये जवाब लगाना है कि वास्तव में हम करते हैं, तो हमारा जो तैयार हुआ है सारी व्यवस्था जो तैयार हुई है तो उसमें ये जो शोषण होता है उसकी वीडियो पड़ी हुई है, रात्रि गश्त कराते हैं उसकी वीडियो पड़ी हुई है, रमजान के महीने में जो ड्यूटी लगाई जाती है वो भी पड़ी है, अम्बेडकर ड्यूटी जो कराते हैं वो भी हमारे पास पड़ी हुई है, इलेक्शन की ड्यूटी का कार्ड जो लगता है सत्ता कार्ड मैंने लगा दिया है, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और बिहार का जियो तो लगा दिए हैं, झारखंड का जियो लगा दिए हैं, राजस्थान का जियो लगा दिए हैं, सारा मेरा कागज मेंटेन है। अब जो है शुक्रवार को मैं गया था, वहाँ वकील से बात हुई है, सारी व्यवस्था हुई, तो कल जो है फोन किए वकील साहब कि आपके केस में तारीख लगी हुई है, और आज तारीख थी लेकिन मैं जो है धान लग रहा था इसलिए नहीं पहुंच पाया, तो मैंने वकील साहब से कहा कि सर आप देख लीजिए जो भी होगा व्यवस्था हमें बता दीजिए, तो अभी वकील साहब से बात नहीं हो पाई मेरी, नहीं तो वो भी हम आपको बता देते। तो मतलब मैं एक अगर मुझे जिस हिसाब से आपने बताया है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि 2024 के पहले पहले इसका निर्णय आ जाएगा।
सर उसमें वकील साहब से मेरी वार्ता हुई है, मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ आपको। वकील साहब ने खुद कहा है, मैंने उनसे पूछा कि सर ये हमारी व्यवस्था कितने दिन के अंदर हो जाएगी, कहें ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जिस दिन आपका जो है कागज पहुंच जाएगा वहाँ आपका जो रिमांडर, तो तत्काल जो है एक एक दो केस लगेगी, इसके बाद बहस हो जाएगी सीधा सीधा। हाँ तब तो हाँ मैं वही अनुमान लगा रहा हूँ कि 24 चुनाव से पहले पहले आपने जवाब अगर लगा दिया तो मुझे लग रहा है कि एक महीने में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिल जाएगा हाँ। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि सरकार ने उस पर शोध किया है और जवाब दिया है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा है कुछ करने की। हाँ पूरा प्रूफ जो है मैंने किया है, और ये जो मेरे यहाँ डीएम साहब थे वो बिहार से ही आए हैं, और वो अच्छे बहुत अच्छे भले आदमी हैं, हमारे थाने के भी भले अच्छे आदमी हैं, सब इस समय एकदम मस्त हैं। आपने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि 100-200 की संख्या लेकर के आपने बताइए जंग जीत ली। यहाँ लोग 2-2 हजार लोग जोड़ करके 50 लाख वसूली करके या फिर क्या कर रहे हैं पता नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप यकीन मानिए मैं आपसे इतना तो वचन दे ही रहा हूँ, दो चीजें कहूंगा कि आपका मुकदमा जैसे ही क्लियर होता है और यहाँ से अगर उत्थान होता है किसी भी तरह से चौकीदार विभाग का, तो इतना वचन आपको दे रहा हूँ, और ये मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जरूर डालूंगा अगर आपको आपत्ति ना हो। अरे कोई आपत्ति नहीं है, आप डाल सकते हैं, और मैं कागजात भेजूंगा उसको भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो हम बस इतना आपको वचन देते हैं इस रिकॉर्डिंग को और यूट्यूब पर भी कि जिन लोगों ने अवैध तरीके पैसा वसूला है उनको उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा आने वाले समय में, वो चाहे जितना भी प्रयास छुपने का कर ले वो ब्यौरा उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे कष्ट है इस बात का कि आप जैसे लोग मतलब ईमानदारी से मेहनत करके 1 लाख रुपए में सब कुछ निपटा ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोग 50-50 लाख रुपए हजम कर गए, तो ये तो हम शांत नहीं बैठेंगे। भले आदमी हमको ये कहता रहे कि आप बाहरी आदमी हो, बाहरी, अरे तो बाहरी क्या है, मतलब आप गलत करोगे देश के अंदर रह करके। गुरु जी सुना है जो फोटो खींची जाती है पहले राउंड में, तो वहाँ मैंने फोटो खिंचाया था तो 1000 रुपए लगी थी। अच्छा, अब की बार हमारा थोड़ा ज्यादा पैसा लगा, इसलिए कि मैंने जो है जालौन से कुछ आदमी है 9-10 आदमी, तो वहाँ भी मैंने जो है भेजा था वहाँ जालौन के डीएम को नोटिस, तो वहाँ से भी जवाब आ गया, जो जवाब यहाँ से मिला वही जवाब वहाँ से मिला है जालौन से। हाँ, और इसके बाद मैं जालौन के चौकीदारों को आज तक नहीं जान पाया वो, जबकि कोई 100 रुपए दिया है कोई 50 रुपए दिया है। आप देखिए अभी 100-50 रुपए दिया, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि आप ईमानदारी से काम करो, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह करिए। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि इन लोगों को कोई जानता तक नहीं था, और मैंने अपने चैनल के द्वारा इनको एक पहचान दी, और पहचान देने के बाद आज ही ये लोग हमसे सवाल पूछे। सुनिए, मुझे गुस्सा तब आती है कि जब ये लोग जो है धरना किए थे पिछले महीने में, तो उसमें जो है ये था बलिया का पासवान जी, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को तो वहाँ बुला लिया, और जब लोगों को जो है फोर्स वाले उठा करके यूको गार्डन में डाल दिए, तब ये पीछे भाग गए। ठीक है, अब इसके बाद जब आप आए हैं तो चार बाग से लखनऊ इको गार्डन तक दर्शन किए थे, वो दिन इनको भूल गया। बिल्कुल भूल गए, उनको लग रहा है कि उन्होंने सब झंडे गाड़े हैं। हाँ, उस वह दिन इनको भूल गया है कि बताइए कि अन्नू की जयंती की जो चार बाग से लेकर के लखनऊ तक एक कर दिए थे, तब इनको नहीं पता चला था कि सोचो बिना परमिशन इतनी हिम्मत रखा हूँ लखनऊ के अंदर। हाँ है? और वो भी पुलिस वाले सब साथ में गए थे। हाँ, ये भी नहीं है उन्होंने कहा कि डर हो, साथ में सब गए थे, जान चुके थे कि अब बहुत बड़ा बमंडर हो सकता है, लेकिन चक्कर क्या था, मैं तो मजबूर था कि भाई अभी मैं कोई बमंडर यहाँ करवाऊ भी तो पता लगा इनके चौकीदारों के नेता ही हमको फंसा देंगे, कहेंगे अन्नू त्रिपाठी जबरदस्ती करवा रहा है। जी जी जी, ये है चीजें, लेकिन आप देखिए काम ईमानदारी से करते रहिए, ऊपर वाले के सहारे रहिए। आप ये मान के चलिए इस मीटिंग में लोग आएंगे, हम लोग भी प्रयास यही करेंगे, हमारे लायक जो सहयोग होगा आपके मुकदमे में हम भी करेंगे, और लोगों से भी यही अपील करेंगे कि आप ईमानदारी से जुड़िए, 100-200 में आप गरीब नहीं हो जाएंगे, है ना। आप जहाँ 3000-4000 फूक रहे, अरे 100-200 दे करके 500 रुपए हम कहें कितना हद हम कह रहे 1000 रुपए लग जाएगा यार ज्यादा से ज्यादा।
अरे मैं वहाँ से फाइल आएगी तो उनसे मैं कहा हूँ कि जो 2-2.5 लाख रुपए भाई लगेगा, आप जो है 1,000-1,000 रुपए अगर लेना पड़ेगा लेकर के आपको दे देंगे फोन करके एक बार में खत्म कर। हाँ सर, और हम बता रहे ज्यादा नहीं कह रहे, 1-1,000 अगर 200 आदमी दे दिया तो आपके पास 2-2.5 लाख का हो गया व्यवस्था हो गया, तो टेंशन नहीं। लेकिन कोई नहीं, आपका सब साथ देंगे। देखिए हमें ऐसे लोग पसंद है कि जो एकदम पारदर्शिता से काम करे, किसी की जेब में पैसा नहीं जा रहा भाई, काम में जा रहा जी, है ना। लेकिन कोई नहीं गुरु जी, मैं किसी से भाड़ा नहीं लेता, अपना भाड़ा लगा के जाता हूँ, अपना भाड़ा लगा के आता हूँ। अभी उस दिन मैं गया था शुक्रवार को, जिसमें मेरी 6,000 रुपए खर्च हुई है, अपने जेब से खर्च करके आया हूँ। तो इसीलिए ईश्वर आपकी सुन भी तो रहा है, कितने मुकदमे अभी तक डाले गए, किसी का आया अभी तक? नहीं आया, नहीं तो आया। आपका क्यों आ रहा है? ईश्वर मेहरबान है, ईश्वर कहता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलेगा उसका ईश्वर साथ देगा जी। तो आपका ईश्वर साथ दे रहा है और आप जीतोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और हम जैसे लोग हमेशा शुभकामनाएं देंगे कि आपकी जीत जल्द से जल्द हो और चौकीदारों का उत्थान हो। एक खुशखबरी और आपको बता रहे हैं कि सरकार के पास जो है नोटिस पहुंच गई है, वहां लखनऊ 20 तारीख को जो है वो उतारने के लिए। हाँ, कागज वहां पहुंच गया है। क्या करने के लिए? वो तो आप करा रहे हैं वहां मीटिंग। हाँ, वो सरकार के पास कागज पहुँच चुका है। तो आपने भेजा है क्या उधर से? नहीं, भदोही से भेजे हैं, एक यादव जी हैं। अच्छा, हाँ वो रजिस्ट्री कर दिए हैं, कल ही कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए कि आदमी को तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि अगला आदमी तो जो कर रहा है उसको करने दो। पर अपनी तरफ से भी इंटरनेट कागज लगाओ कि हाँ विभागीय कागज भेज दिए हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेजिए ताकि हम मतलब उसको देख सकें। जो रजिस्ट्री हुई है आप व्हाट्सएप खोलिए, अभी देखिए ग्रुप में। अच्छा, एक मिनट, आपने भेजा है क्या? जी, एक मिनट, ग्रुप में भेजा है जी, ग्रुप में। एक मिनट, ठीक, आया है। हाँ पढ़ लीजिए उसको। मुझसे कहते हैं यादव ने लिखो के संचालित होकर राजनीतिक 19 लिख दिए। अच्छा, हाँ ठीक, इंटरसिटी ट्रेन से चलकर दिनांक 20/7/2023 को समय 10 बजे जिन्होंने काशीराम भगवान धरना हेतु धरना प्रदर्शन क्यों लिखवा दिया, मीटिंग बुलवाना था। अरे ठीक है, तो उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाए, लेकिन राम चौकीदार ठीक है, बहुत बढ़िया ठीक।